Xiaomi का एम आई ए टू फाइनली इंडिया के अंदर में लॉन्च हो चुका है। हम सभी लोग इस फोन का वेट कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है और आज जब ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, इस सब के बीच में इंडियन मार्केट में काफ़ी कुछ चेंज यहाँ पे आ चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से Xiaomi ने एम आई ए टू की हाइप क्रिएट करने के लिए इंडिया में यहाँ पे ये खेल खेला है, यानी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे Xiaomi ने की है। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे कि क्या आज के टाइम पे आपको एम आई ए टू लेना चाहिए, किन लोगों को ये फोन यहाँ पे लेना चाहिए और किन लोगों को ये फोन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टक टॉक जॉकी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एम आई ए टू की प्राइजिंग की। एम आई ए टू की जो प्राइज है वो है 4 GB और 64 GB वाले की 16,999, यानी कि 17,000। जो 6 GB और 128 GB वाला दूसरा वेरिएंट है, ये वेरिएंट अभी इंडिया में लॉन्च तो हो चुका है लेकिन अवेलेबल नहीं है। अब कब से अवेलेबल होगा, एक हफ्ता, एक महीना, दो महीना, इसके बारे में Xiaomi ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है और ना ही इसकी प्राइस के बारे में यहाँ पे कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 6 GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस 100% 20,000 से ऊपर ही यहाँ पे जाएगी। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि Xiaomi ने ये सब यहाँ पे क्यों करा, तो इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हम सभी को पता है कि Asus का Zenfone Max Pro यहाँ पे लॉन्च हुआ था, 4G वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ था, 6G वाला भी लॉन्च हुआ था, लेकिन अवेलेबल पहले यहाँ पे 4GB वाला ही था। सब लोगों ने उसकी जो है वीडियो बनाई, रिव्यू दिए, उसके बारे में बातें की और फिर एक दो महीने बाद उसकी जो बातें थी वो ठंडी हो गई और फिर Asus के Zenfone Max Pro के बारे में इतनी सारी बातें नहीं हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे Asus ने अपना 6G वाला वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च करा और फिर से यहाँ पे उसी फ़ोन के लिए दोबारा से वीडियो बनी, दोबारा से अनबॉक्सिंग हुई, दोबारा से यहाँ पर रिव्यू गए, यानी कि मार्केट में उस फोन का नाम दोबारा से उछला, दोबारा से उस फोन की यहाँ पे हाइप क्रिएट हुई। इसी तरह का कुछ सीन यहाँ पे वन प्लस के साथ में है, जैसे कि वन प्लस का 6 यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और फिर वन प्लस 6T कुछ टाइम बाद यहाँ पे लॉन्च होगा। तो यानी कि कंपनी यहाँ पे क्या करती है कि अपना एक फोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया, उसके बाद यहाँ पे उस फोन के बहुत सारी यहाँ पे हाइप क्रिएट करती है, वीडियो बनती है, उसके बारे में बातें की जाती हैं और फिर एक दो महीने बाद उसकी जो बातें हैं वो यहाँ पे ठंडी हो जाती है और फिर से कंपनी एक नया फोन यहाँ पे लॉन्च, यानी कि फोन वही होता है लेकिन हो सकता है उसका कलर वहां पे चेंज हो, उसके रैम जो वेरिएंट है वो यहां पे चेंज हो, ये फिर छोटे मोटे चेंजेस करके उस फोन को यहां पे दोबारा से लॉन्च करती है ताकि उस फोन की जो हाइप है वो दोबारा से यहां पे क्रिएट हो जाए। और Xiaomi को पता है कि MI 80 की जो हाइप है वो Redmi Note 5 Pro के बराबर यहां पे नहीं होने वाली है, क्योंकि इस फोन में कुछ यहां पे कमियां हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि यहां पे आपको SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं मिलता है, तो यानी कि जो आप अगर 4 GB और 64 GB वाला वेरिएंट लोगे वहां पे आपके पास केवल और केवल 64 GB की इंटरनल स्टोरेज बचेगी, उसमें से भी आप 8-10 GB कटा दीजिए तो उतनी स्टोरेज आपके बचेगी, क्योंकि 8-10 GB आपका जो OS है वो वहाँ पे ले लेता है। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे फ़ोन लेना चाहता है, MI का ही फ़ोन लेना चाहता है, यहाँ पे MI A2 उसको पसंद है, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली वेट करेगा, चाहे एक हफ्ता हो, चाहे एक महीना हो, चाहे दो महीना हो, वो इस फ़ोन के लिए यहाँ पे वेट करेगा और जब भी ये दोबारा फ़ोन लॉन्च होगा 6G वाला वेरिएंट, दोबारा से इस फ़ोन की यहाँ पे हाइप क्रिएट होगी। तो इस तरह का कुछ सीन यहाँ पे Xiaomi ने करा है, हालांकि इस तरह का सीन आजकल यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ कर रही हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं MI A2 के कैमरे के बारे में। 20+12 MP का बैक कैमरा आपको मिलता है, 20 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है और इस फोन का जो कैमरा है वो सच में यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाला है। AI के काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं और इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक बहुत ही बेटर कैमरा मिलता है आज के टाइम पे। आने वाला टाइम पे पता नहीं है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे क्या लॉन्च कर दे, बट इसके बाद अगर हम जाते हैं परफॉर्मेंस पे, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिलती है MI A2 में Qualcomm के 660 प्रोसेसर के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अभी Honor ने अपना एक फ़ोन लॉन्च करा है Honor Play, जहाँ पे Kirin का 970 प्रोसेसर आपको मिलता है जो कि 20,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप केवल परफॉर्मेंस से मतलब है, यानी कि आपको गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करनी है, तो आप यहाँ पे Kirin 970 यानी कि Honor Play की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे MI A2 में भी आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। इस फोन में जो एक और बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे, वो ये कि आपको यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे इस फोन को बहुत पीछे ले जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मूवी के शौकीन होते हैं, गानों के शौकीन होते हैं, वीडियो वगैरह उनको देखनी अच्छी लगती है, तो उनके लिए यहाँ पे हेडफोन बहुत बड़ा मायने रखता है। और चलो अगर आपने हेडफोन यहाँ पे नहीं भी दिया था, तो एटलीस्ट यहाँ पे बैटरी तो आप यहाँ पे ज़्यादा दे सकते थे, 3060 mAh या फिर 80 mAh के आसपास समथिंग यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है, तो बैटरी भी आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे मूवी वगैरह लवर हो, सॉन्ग वगैरह ज़्यादा सुनते हो, हेडफोन का यूज़ अगर आप यहाँ पे ज़्यादा करते हो, तो आपको ये फ़ोन यहाँ पे रास नहीं आएगा, क्योंकि भैया आपने मूवी देखी और उसी टाइम आपकी बैटरी यहाँ पे लो हो गई
गई तो आपको यहाँ या तो अपने फ़ोन को चार्ज में लगाना पड़ेगा या फिर ब्लूटूथ वाले आपको यहाँ पे हेडफोन लेने पड़ेंगे। साथ ही आपको क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट इस फोन में देखने को मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर में देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उसके लिए भी आपको अलग से ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों में यहाँ पे MI A2 में आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम इसलिए जानते हैं कि यहाँ पे आपको बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी फोन मिलते हैं Xiaomi की तरफ से, लेकिन इस बार Xiaomi ने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है MI A2 में, इसलिए यहाँ पे 6GB और 128GB वाला जो वेरियंट है वो एक साथ यहाँ पे Xiaomi ने लॉन्च नहीं करा है। अगर आप यहाँ पे इस फोन को लेना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे कैमरा लवर हो तो आप इस फोन को डेफिनेटली ले सकते हो, परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो और भी बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल सकती है ऑनर प्ले के साथ में, या फिर अगर आप यहाँ पे चाहते हो 2 हज़ार रुपये कम में, यानी कि आपको मिल जाता है आसूस का ZenFone Max Pro और Xiaomi का खुद का Redmi का Note 5 Pro, जहाँ पे आपको कैमरा वगैरह तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, साथ ही वहाँ पे आपको एक अच्छी बैटरी मिलती है और 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको फ़ोन लेने से पहले यहाँ पे जानना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, क्यों आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, और Xiaomi ने यहाँ पे किस तरह से हाइप क्रिएट की है इस फ़ोन के लिए ये सारी बातें भी आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पहले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।